बहुत मस्त लगा ना बाहर का व्यू, कितना अच्छा था। मुझे झूला काफी ज्यादा अच्छा लगा। वैसे शीला एक चीज है। क्या? ये लो। ये क्या है? झुमका। वो तो दिख रहा है मुझे, बट तुमने क्यों दिया? क्यों दिया मतलब? जान बुझ के दिया। मैं तुम लड़कों को जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। लड़कियों को इंप्रेशन करने के लिए ऐसे गिफ्ट्स वगैरह देते रहते हूँ। ये देखो अभिजीत, मैं इतनी जल्दी पटने नहीं वाली, और तुमसे तो इस क्या अगले 7 जन्मों में नहीं पटने वाली हूँ। ये जो अपना झुमका है ना, अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। शीला तुम मुझे गलत समझ रही हो। गलत क्या गलत, बहुत सही समझ रही हूँ मैं। अरे 7-8 महीनों से एक साथ रह रहे, तुम्हारे नस नस से वाकिफ हूँ मैं। शीला ये मैंने नहीं, माँ ने मुझे दिया है, और माँ ने कहा है कि ये शीला को दे दो, समझ गए? जब देखो तब खुद की मनमानी करती हो। तुमको पहनना हो तो पहनो, या फिर रहने दो। हेलो। हेलो हैंडसम। जोया जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। कीजिए ना। वो दरअसल आपकी सिक्योरिटी का जिम्मा अब पूरा हो चुका है, आप अभी टोटली सेफ हो, इसलिए कल से मैं आपकी सिक्योरिटी के लिए नहीं आऊंगा। मुझे माफ कीजिए, ये प्रैंक की वजह से आपको खामखा 2-3 दिन अपने वेस्ट करने पड़े। इनफैक्ट ईद के दिन भी आप हमारे साथ ही थे, अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे सके। कोई बात नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला काम काम होता है। हाँ माना, काम काम होता है, पर आपको तो ये बेवजह का काम मिल गया, मुझे तो कोई खतरा भी नहीं था। कोई बात नहीं, अभी आप सेफ हो, उसी में मुझे खुशी है। ऐसे जोया की अम्मी जी, जोया की शादी का कब सोच रहे हो आप? लड़की उम्र में आ गई है। हाँ जोया की शादी का भी हम सोच रहे हैं, उसकी छोटी बहन भी तो है, उसका भी तो नंबर लगाना है। और अक्सर क्या है ना, छोटों को ज्यादा जल्दी होती है, बड़ों का क्या है, कुछ नहीं, छोटों को पहला करना होता है, इसलिए इसके पहले निपटा दो। ऐसे भी उम्र में आ गए और आसपास रिश्ते भी मंडरा रहे। अच्छा अच्छा शादी तो करनी है, बस लड़का अच्छा मिल जाए तो फिर हम भी बिना किसी झिझक के हमारी जोया का रिश्ता कर सके। हाँ क्या बात है जोया जी, लगता है सबसे पहले आपकी शहनाई बजेगी अब सोसाइटी में। अभिजीत यार कपड़े पहना करो। पहनने वाला हो तुम भी पहनो कपड़े। मैंने तो पहन लिए पहले से, मुझे क्या बता रहे हो? अरे ऐसे नहीं, मैं कह रहा हूँ नए कपड़े पहन लो, हमें डिनर के लिए जाना है ना बाहर। मैं ऐसे ही आ रही हूँ। ठीक है फिर ऐसे आओ, मुझे क्या, मैं तो पहनने वाला हूँ मेरा नया सूट। बाहर जाओ। क्यों? मुझे चेंज करना है। तुमने तो कहा था अभी तुम कुछ नहीं पहनने वाले, ऐसे आने वाले हो। नहीं मेरा माइंड चेंज हो गया, तुम जाओ बाहर। चलो ये तो हो गया। ओह नो, पता नहीं है शीला क्या कर रही हो, मैंने बोला था जल्दी आने के लिए। बहुत देर लगा दी। वो मैं तैयार हो रही थी। अच्छा तुम समझ नहीं रहे, मैंने कहा मैं तैयार हो रही थी। हाँ मुझे समझ गया, तुम तैयार हो रही थी। नहीं अभिजीत तुम नहीं समझ रहे, कब से मैं दिखा रही हूँ तैयार हो रही, तैयार हो रही। ये झुमका देख रहे हो? ओ तुमने मैंने दिए हुए झुमके पहने? तुमने नहीं, सासू माँ ने दिया था, वो पहन रही थी इसलिए लेट हुआ। वैसे वैसे अच्छी दिख रही हो, बैठो। रुको रुको। क्या? इस बार कुछ खाओगी या? खाना है इस बार मुझे खाना, तुम करो ऑर्डर। ठीक है मैं बता देता हूँ। वेटर क्या खाओगी? मैं फ्राइड राइस खाऊंगी। एक फ्राइड राइस और मेरे लिए पनीर की सब्जी और रोटी। हर बार पनीर ही खाते हो तुम। अच्छा सुनो, मेरे लिए भी एक फ्राइड राइस लाओ।
हवा बहुत अच्छी छुट्टी है ना। हाँ, बहुत ज्यादा रोमांटिक हो गया एक्चुअली मौसम। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था, बहुत रोमांटिक सा माहौल हो गया है। वैसे आज का दिन बहुत अच्छा गया ना। हम गार्डन में घूमे, बातें की। हाँ, शुरुआत में थोड़ा झगड़ा हुआ पर शाम ढलते ढलते सब कुछ ठीक हो गया। तुमको काम ही क्या है मेरे साथ झगड़ा करने के अलावा? हाँ, वो बात तो है, बट ऑनेस्टली तुमसे अगर मैं झगड़ा नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? मुझे तुम्हारे साथ झगड़ा करने में बहुत अच्छा लगता है। वाह, तुमको अच्छा लगता है मेरे साथ झगड़ा करने में? तुमको अच्छा लगता है जब मैं परेशान हो जाती हूँ तब? नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है, तुम मेरे कोई दुश्मन नहीं हो, पर तुम्हारे साथ जो झगड़ा करने में मजा है वो अलग ही है। वैसे यू नो मुझे भी तुम्हारे साथ झगड़ा करने में काफी ज्यादा मजा आता है, इसलिए मैं जानबूझ के झगड़ा करती हूँ। इनफैक्ट तुमको पता है मैं किसी के साथ झूठ नहीं बोलती, पर तुम्हारे साथ बोलती हूँ, क्योंकि मुझे झगड़ा बढ़ाना होता है। पकड़ी गई चोरनी, जानबूझ के मेरे साथ झगड़ा करती हो ना तुम, और जानबूझ के मेरे साथ झूठ भी बोलती हो, क्योंकि तुम्हें पता है मैं सह लेता हूँ। शिलप, आगे क्या करने का सोचा है फिर तुमने? मैं कुछ समझी नहीं। हमारी शादी को 6 महीने हो गए, और जैसी हमारी शादी चल रही है या फिर जैसा हमारा रिलेशनशिप चल रहा है उस हिसाब से हम किसी भी पड़ाव तक नहीं जाने वाले। इनफैक्ट हम तो लड़ाई कर ही रहे, साथ में अगर हमारे घर वालों को ये बात पता चली तो उनके बीच भी लड़ाई होगी। बात तो सही है, इसलिए तो हमको डाइवोर्स करना चाहिए। डाइवोर्स? यस, डाइवोर्स, तलाक, घटस्फोट। ऑनेस्टली मुझे ये बात सही नहीं लग रही है। क्यों सही नहीं लग रही है? यू नो हम दोनों इस रिश्ते में खुश नहीं है। Yes, I know, हम दोनों भी इस रिश्ते में खुश नहीं है, और हमारी मर्जी के बिना ये शादी हुई है। इसीलिए तो डाइवोर्स हमारी मर्जी से होगा, और वो भी धूम धड़ाके में होगा। बट शीला, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि क्या लगता है? शीला, मैं थक गया हूँ। थक गए हो? किस चीज से? हमारे रिश्ते की वजह से। तोड़ दो ना फिर रिश्ता, इसी में हम दोनों का भला है। नहीं तोड़ सकता और ना ही मैं तोड़ना चाहता हूँ। एक मिनट अभिजीत, तुम क्या बोलना चाहते हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, साफ साफ बताओ। देखो, मुझे नहीं पता तुम क्या सोचोगी मेरे बारे में, या फिर तुम मुझे बोल दोगी तुम तो बहुत ज्यादा ये निकले वो निकले। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा जब मैं ये बात में तुमसे करूंगा, पर शीला मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमारे इस रिश्ते को एक मौका दो। किस बात का मौका? शीला, तुम समझ क्यों नहीं रही हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? इतनी भी बच्ची नहीं हो तुम। हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते, हम एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। मैं बस यही चाहता हूँ कि हमें एक दूसरे को एक मौका देना चाहिए, एक दूसरे को जानने के लिए, समझने के लिए। शीला, सच बात बोलूँ तो ऑनेस्टली कहीं ना कहीं तुम मुझे अच्छी लगती हो। तुमको पता है तुम क्या बोल रहे हो अभिषेक? सुनो मेरी बात प्लीज, तुम हमेशा मुझे गलत वे में लेती हो। मैं जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मैं अगर तुम्हारे साथ झगड़ा भी करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। वाह वाह वाह, इसलिए तुम्हें मेरे साथ रहना है ताकि मेरे साथ तुम झगड़ा कर सको। नहीं शीला, तुम्हारा प्यार तो शर्मरी से था ना, उसके आगे पीछे करते थे, वैलेंटाइन के समय उसको प्रपोज किया था, क्या हुआ उस प्यार का? देखो, आई अग्री कि मैं शर्मरी से प्यार करता था और वो भी मुझसे प्यार करती थी, पर अभी वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है और मैं भी उन सब चीज़ों को वापस मुड़ के नहीं देखना चाहता हूँ। मैं मेरी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, एंड आई ऑनेस्टली सेइंग कि मैं मेरी लाइफ में आगे अपने आप को तुम्हारे साथ देखना चाहता हूँ। तुमको पता है अभिषेक, मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, पहले से मेरे सपने कुछ और है, मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, इस सब में मैं फंस गई हूँ और मुझे इन सब से बस छुटकारा चाहिए अभिषेक, मुझे नहीं जीनी है चार दीवारों के बीच जिंदगी। पता है मुझे तुम इन सब में नहीं पढ़ना चाहती हो, तुम्हारे सपने अलग है, तुम्हें बहुत कुछ करना है, उस बहुत कुछ में मैं तुम्हारा थोड़ा साथ दूंगा, थोड़ा नहीं बहुत साथ दूंगा। देखो, मैं तुम्हें सोचने का पूरा मौका देता हूँ, एंड तुम अपना पूरा टाइम ले सकती हो। अगर तुम्हें इस रिश्ते को और कंटिन्यू नहीं रखना है और तुम चाहती हो डाइवोर्स हो ही जाए तो इट्स अप टू यू, मैं उसमें भी तुम्हारा साथ दूंगा, बट मैं ये चाहता हूँ कि तुम
थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज्यादा टाइम लेके भी सोच सकती हो। इतना बुरा भी नहीं हूं मैं। तो क्या सोचा तुमने? अभिषेक, इतना जल्दी नहीं सोच सकती हूँ मैं। ठीक है, तुम अपना समय ले सकती हो। बाय द वे, मेरे पास कुछ है। क्या? देखो, मुझे गलत मत समझना, तुम मुझे हर बार गलत समझती हो। ये मेरी तरफ से, अगर लेना है तो लो, अगर नहीं लेना तो बोल दो, मैं पीछे रख दूंगा। अभी दे दिया रोज, तो उसको ऐसे पीछे मत रखो। ले लूंगी मैं, दो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मैंने जो भी बात की है उसके ऊपर सोचोगी और मुझे एक मौका दोगी और हमारे एक रिश्ते को एक मौका दोगी। ऑनेस्टली तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा उसमें मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। इट्स अप टू यू कि तुम्हें क्या करना है लाइफ में।